तुम्हारी खातिर सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ मैं? और जिसकी सारी दुनिया यहाँ पर, वो क्या करे? ऐसी कौन सी बात थी जिस पर वो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल रही थी कमरे से? किसको बेवकूफ बना रहे हो, मुझे या खुद को? अरे मुझे लगता है हमें ना बेवे को इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम 3-4 दिन के लिए ना लाहौर चले जाते हैं बड़े अब्बा के पास भागकर, बड़ा मजा आएगा। अरे यार क्या मुसीबत है, स्लीट को भी आज ही खराब होना था। सुबह नहीं बता सकती थी तुम ये बात? स्कूल में ना हुई थी मेरी। भाई तुम लोग मनो या ना मनो, ये बख्तों का पोता बरगला के ले गया मेरी मीनू को। बेबे वो अपनी दोस्त नीली के घर गई होगी, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। अरे हमने खुद मीनू को फाजी भैया की गाड़ी में जाते हुए देखा है, बताए ना आदि भाई। छोड़ूंगा नहीं मैं आज। वली वली जाओ जाओ जाओ, देखो बेवकूफ को कहीं गुस्से में कुछ करी ना बैठे, वरना क्या कर देंगे, क्या मुंह दिखाऊंगी इसके बाप को। भाभी हम तो दुनिया में ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हाय देख तो सही, नीमा नीमा होके निकाल के ले गया हमारी बच्ची को। बेबी आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ दुश्मनों की फीती फीती करने, वाल पुटने उनके। हट जा परे। दादी अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा मीनू भाभी कोई इतना बड़ा शॉपर लेके जा रही थी, मैंने खुद देखा है। डाल दी ना बेबी की पोती ने कहानी और ना माने मेरी बात। उसका तो नंबर भी ऑफ जा रहा है। निकाल के ले गई बड़े बिठल को पतपरवर की पोती, हाय वो बिटंके की चोट पे। उसी वक्त क्यों नहीं बताया आपने? मुझे क्या पता क्या प्रेम कहानी चल रही है, जब इन्होंने कहा कि वो उसका फोन बन जा रहा है तो मैंने बता दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे मानी, मानी को क्या पता। वैसे एक बात है, हमारे साले शरीफ ने बहुत जिगरे वाला काम किया है। आई रियली रियली लाइक इट। यू वॉन्ट योर बेइज्जती? नॉट एट ऑल सरकार। कहाँ है तुम लोगों का बेगैरत भाई? ये सवाल तुम अपनी खुद सर बहन से पूछो जो बहका कर ले गई है हमारे मासूम भाई को। वेरी गुड सरकार। देखें आपा गलत बात मत करें, वरना 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 अभी जाऊंगा और FIR कटवाऊंगा आपके भाई के खिलाफ अगवा की। अल्लाह पाक की कसमें इस सारे टब्बर में FIR ना कटा दे तो मेरा नाम बदल देना, सबको फायर लगवाऊंगी। जा तेरा नाम की है वैसे? मेरा नाम ताहिर। ताहिर 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 ताहर 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 ताहर। वैसे बेबे और हादी भाई के दिमाग का मीटर कुछ ज्यादा उल्टा चल रहा है। सही कि आपने गलत नाम बताया। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे तो गुस्सा आ गया था यार। खुदा के लिए आप लोग कुछ होश करें। मैं पहले ही कहती थी ये बदनजर है। बेटा गबरू शेर पोट पता नहीं कहां चला गया। फिलहाल तो आप पुलिस स्टेशन जाएं और इन लोगों के खिलाफ पर्चा कटवाएं फौरन। नहीं नहीं सरकार, स्पीड ब्रेकर के ऊपर थोड़ा सा पांव रखें, ऐसे मामला थाने कचहरी में हल नहीं होते। बहुत ही गई है, आज आठवीसी या पाँचवीसी फैसला होके रहेगा। अरे चले अम्मा इससे पहले कि बेबे मेला लूट ले, जल्दी जल्दी जल्दी। मानी भाई प्लीज, अम्मा प्लीज ऐसा मत करिए। जाने दो ना, तू तो चुप की थी कर, वक्त तो आज डग्गे की चोट पे फैसला करके रहेगी। अरे चलो चलो यार चलो। जाए जाए जाए। ऐसा पर्चा कटवाऊंगा ना सारी जिंदगी याद रखेगा अम्मा का खानदान। समझती क्या अपने आपको? वैसे पर्चा बनता नहीं है इस केस पे। हाँ पर्चा नहीं बनता, इनको तो सीधा लॉकअप में बंद करना बनता है। चले पूरा थाना बात कर। लो जी फौजें इधर भी पहुंच गई हैं। बंदा औलाद की तरबियत अच्छी कर ले तो ऐसे मुंह तो ना छुपाना पड़े दुनिया वालों से। जानी मुंह तो तेरा देखने का काबिल नहीं है। अरे हमारे इन सत्तर लोगों के मुंह वाले चले। चुप कर चूसी गंडेरी के मुंह वाले। फैसला तो आज होगा इधर ही थाने में। अरे हम भी किसी से कम नहीं, हमारे भी फौलादी हाथों में ताकत है। धाड़ हो धाड़ भाई, कहां है तेरी ताकत, खत्म हो गई है। खत्म कर चुप कर। रखो ये मिला हुआ है इनके साथ, इसके खिलाफ ही पर्चा कटवाएं। अरे पर्चा तेरे खिलाफ होगा क्योंकि लड़की को भागते हुए तूने देखा था। अरे हमने देखा भागे थोड़ी दूर के साथ। दुश्मनों के सामने तुम दोनों को क्या हो गया है? किसके खिलाफ क्या कुछ कटेगा इसका फैसला अंदर जाकर होगा। आज इनका स्यापा भी मुका ले जरा। जा जा बेबे, जो करना है जल्दी कर लेना, शाम को मेरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है 3 दिन का। चुप कर जा, पहले इनकी इनिंग्स तो डिक्लेयर करा के आए। आ जाओ फिर।
क्या की थी? यार खामा खा बैठे बिठाए बाजू टूट गया मेरा। बेबे ने खड़े खड़े में टांगे तोड़ देंगे अगर टाइम पे मैं घर नहीं पहुंची तो। उस रिक्शे वाले के खिलाफ तो FIR कटवा के रहूंगी मैं। दिमाग तो खराब ही हो गया तुम्हारा। दिमाग तो उसका खराब था जो बगैर लाइसेंस के रिक्शा चला रहा था और एक्सीडेंट करके भाग गया मनहूस। चलो पुलिस स्टेशन। अरे यार नीली लानत भेजो यार उस पर, मुझे देर हो रही है घर चलते हैं। हरगिज नहीं, उस कातिल रिक्शे वाले का नंबर याद है मुझे, रिपोर्ट तो उसके खिलाफ लिखवा के रहूंगी मैं। तुम चलो बस चुप करके मेरे साथ। अरे यार कहाँ फंस गई मैं। तुम्हें किसने कहा था घर फोन भूल गया हो? चलो अच्छा। सारी मुसीबतें आज ही नाजिल होनी थी। बैटरी भी डेड है, कैसे कॉल करूं हेल्प के लिए? कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अरे सब जानने वाले हैं, सब जानने वाले हैं। बुलाओ किसी थानेदार को, FIR कटवानी है मैंने इस करप्ट खानदान के खिलाफ। पर्चा तो मैं कटवाऊंगा तुम्हारे बुरे खानदान के खिलाफ, एक्सपोज कर दूंगा तुम लोगों को। ए चंड मार के ना मैं तेरा जबड़ा बाहर कट देना है। ये किस किस्म का शोर हो रहा है मेरे थाने में? किसी बड़े अफसर को बाहर भिजवाए। बोले मानी साहब आए। मैं यहाँ का थानेदार हूँ, मैं यहाँ का अफसर हूँ, पर ये बारात यहाँ किस खुशी में आई है? हेलो कर लो क्यों नु पांडा। कूल डाउन बेबी कूल डाउन। इंस्पेक्टर साहब ये बात करें, दिलगिरामी साहब है, SI दिलगिरामी। ओए बरा कर इसको। नाराम पर्चा कटाएं जी इनके खिलाफ। इनकी बेहया पोती मेरे मासूम पोते को भगा के ले गई है, वो भी टंगे की चोट पे। नहीं मुंह संभाल के, ये पिक्चर में इसका बगैरत पोता मेरी मासूम मीनू को पोती को भगा के ले गए नीवी नीवी करके। शुरू कर दी ना अपनी छिछोरियां थाने में भी। ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओए आप दोनों खवातीन जरा तारुफ तो कराओ अपना। सो कर रहे हैं नहीं हैं? ओए मामला बड़ा गंभीर है। ये है सही साहब, फोन पे तबादला करवा देंगे तुम्हारा, फोन उठाओ। ओ फिर अगर तूने ये फोन मुझे दिखाया ना, वो फोन समेत तुझे लॉकअप में बंद कर दूंगा। ओके सर, ओके सर। अंदर आ जाए बात सर। गुलशन थाने में आप थे ना, आंखों में धूल झोंक कर निकल गई हमारी लड़की। बाप की इज्जत को बट्टा लगा दिया, ये भी नहीं सोचा मैं कितना खर्चा कर चुका हूँ। आपको अभी तक खर्चे की फिक्र है? हाथ धोती है कफायत साहब। कनीस कनीस गजब हो गया, तुम्हें पता है पूरे खानदान को पता चल गया कि फाजी और मीनू भाग गए घर से। क्या उनको कैसे पता चला? वो मिर्ची ने स्टेटस अपलोड कर दिया था फेसबुक पर। उफ, आज तो मैं इसकी एक आध हड्डी तोड़ के ही दम लूंगी। सचमुच नहीं तोड़ देना वरना अस्पताल का खर्चा हो जाएगा। भाभी आप समझाएं इसे। क्या मुसीबत है, एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। पता नहीं अब थाने में क्या हो रहा होगा। ये लो बड़े अब्बा की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बा। जी 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 जी। ओ एक पार्टी खब्बे साइड हो जाए और एक सज्जे तरफ हो जाए। अच्छा हाँ इधर हो जाओ। हाँ अब बताओ जी मसला क्या है? मैं बता रहा हूँ। ओए खामोश। अम्मा जी आप इधर आ जाए अपनी पार्टी के साथ, चले इधर आ जाए। और अम्मा जी आप वहां बैठे हैं, आप भी डेढ़ होशियार, तू इधर आके बता क्या मामला है। देखिए जी सिंपल सी बात है, इनका लफंगा पोता जो है ना इनकी मासूम सी पोती को लेके पता नहीं किधर गायब हो गया। कोई इनका पोता इनकी पोती का लगता क्या था? साहब मैं बताता हूँ, इन दोनों का निकाह हुआ है और तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जब इनका निकाह हुआ है तो इनकी मर्जी है कि लाला भूसा जाए टोबर टैक्सिंग, वो तुम लोग उनके मामे हो तो मैं क्या हूँ? छक्का। क्या कह रहे आप? वो कह रहे तू क्या कह रहे? लाला ने छक्का मारा यार। करो सर आप कंटिन्यू करें। वो जब उनका निकाह हुआ है तो तुम लोग पसूड़ी क्यों डाल रहे हो? मैं भी तो इनको एग्जैक्टली यही समझा रहा हूँ। शक्ल से समझदार लगते तो नहीं हो। थैंक यू सर। छोड़े बेबे आए किसी और थाने चलते हैं। ओ मिस्टर खामखा चुप करके खड़े रहो, हमारी काबिलियत पर शक करने के बजाय अपनी अकल पर मातम करो। आ गए हो मियां बीवी के खिलाफ पर्चा कटवाने। सर थाने में हफ्ता कब आए?
जुम्मे के बाद। जी सलमा बाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? मिर्ची ने ना फेसबुक पे फेक न्यूज डाली थी। फासी भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आपसे। जी जी हाँ हेलो जी पप्पो। अरे पप्पो, इसमें हम बहनों का क्या कसूर है? फाजी भैया को खुद सोचना चाहिए ना ऐसी हरकत करने से पहले। अच्छा गुलापा से बात करनी है? गुलापा तो सो रही है ट्रैंक्विलाइजर खा। रिफत आपा। अच्छा ठीक जी 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 जी, जी, जी। अस्सलाम वालेकुम रिफत आपा। नहीं नहीं मानी तो अभी नहीं है, मिस्कीन भाई के साथ और आप अम्मा के साथ गए हुए बाहर। जैसे जैसे ही आएंगे आपकी बात कराती हूँ। जी 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 सब ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर में दर्द हो गया, मैं फोन साइलेंट कर देती हूँ। ये मिर्ची की बच्ची मुझे एक दफा मिल जाए ना। सब किया धरा मिर्ची का है, बेबी की चमची। नन्नी पप्पू क्या कह रही थी? यही कह रही थी जहाँ तुम जैसी तीन कुरान बहनें हो वहाँ भाई भाग कर ही शादियाँ करते हैं। तौबा तौबा, अगर आज बेबे ना होती ना तो नन्नी पप्पू भी यही हरकतें कर रही होती। और एक तो बेबे ने चुन चुन के मेरे ससुरालियों को फेसबुक पे ऐड किया हुआ है, जंगल में आग की तरह खबर फैल गई है। एक दफा फाजी घर आए तो मैं उसे पूछती हूँ। अब क्या फायदा पूछने का, गुल की नाक के नीचे तो गुल खिला दिया फाजी भैया ने। गुल तो इस वक्त पुलिस स्टेशन में खिल रहे होंगे, क्या जरूरत थी एक दूसरे के खिलाफ पर्चा कटाने की? वैसे हद होती है बेवकूफी की। अरे ये तो फाजी की गाड़ी का हॉर्न है, पूछ के आती हूँ उसको। बटे बस चूड़ी पहन के नहीं बैठा घर में, ट्रिप लगी भी थी मुझे। ख्वातीन ने मेरे दिमाग की लस्सी बना दी थी, कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही आए और आके करें ऑपरेशन क्लीनअप। जी ओ खैर हो, आ गया फाजी। नहीं नहीं मीनू नहीं है साथ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ छोड़ आया मेरी बेटी को है? चाचा उसकी सहेली के घर छोड़ के आया हूँ। देखो मेरे साथ ज्यादा ड्रामाबाजी नहीं करो, अगर हार्ट अटैक हो गया ना एक और खर्चा पड़ जाएगा मेरे सर पे। अरे पर हुआ क्या है? इतनी चीप हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? चीप पर मैंने क्या किया? ऐसा पता चलेगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे जब थोड़ी देर में पुलिस आएगी गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें। अरे मैंने किया क्या है? लो घर से भगा कर ले गया मीनू की बच्ची को और पूछ रहा है मैंने किया क्या है। सच सच बताओ ये मीनू की प्लानिंग थी ना? अस्तग़फ़िरुल्लाह आपा, कैसी ऑल फॉल बातें कर रही हैं आप। ये अपने टेढ़े भाई को सीधी बातें समझाओ, आखिर तुम एक मिनट बड़ी हो ना इससे। ताया अबू जूते मारने के लिए आ रहे हैं इसे, और मैं उन्हें एयरपोर्ट से लेके सीधा थाने लेके जाऊंगा फिर से एक पर्चा कटवाने के लिए। इतने पर्चे अगर आपने अपनी बेटी को दिलवाए होते ना तो आज तक माशाल्लाह एमएससी पास कर चुकी होती वो। बकवास, पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पूरा खानदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ क्या फंस गया हूँ मैं, फंस गया हूँ मैं। बस रुक जाए, ये आ जाओ। कितने में? 100। ये ले, ये उठा ले, आ जाओ। इधर ही है ना? आखिर आना ही पड़ा चंगेज खान को। टिकट तो मुझे ही भरना पड़ा आपका ताया अब्बा। तुम्हारा बाप भी हिसाब किताब करता हुआ कब्र में उतर गया था। हजार बार कहा है कफन में जेब नहीं होती। कफन की जेब को छोड़े ताया अब्बा, वो खवातीन को पुलिस स्टेशन से निकाले, पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगा दी है। अरे ऐसा निकालूंगा आगे दोबारा कहीं जाने जोगी नहीं रहेंगी। हमेशा पसंद करेंगे। सर आप पर्चा काटे फाज इब्राहिम के खिलाफ। नहीं सर नहीं, आप फाज इब्राहिम के खिलाफ पर्चा नहीं काटेंगे, आप मनहिया कफायत अली के खिलाफ पर्चा काटेंगे। काटे काटे। लो धाड़ो धाड़ भाई, जरा चाइना की माल की अकल चेक कर ले। पर्चा कटवाने आया है वो भी बीवी के खिलाफ शोहर के अगवा का। वाह तू मेरे साथ है। क्या जबरदस्त बाउंसर मारा लाले ने। चुप करके खड़ा हो जा वरना ऐसी गुगली करवाऊंगा कि थाने से बाहर फेंकवा दूंगा। हाय मेरा तो दिल का भर गया, का भर गया मेरा दिल। पता नहीं मेरी बेचारी मासूम पोती को किधर ले गया इसका खरांट पोता। मेरे पोते को कहाँ आती हैं ये सारी चालाकियाँ? ये सारा किया धरा तो इसकी पोती का है, बेहया है ना। सर आई नो द लॉ, काटे पर्चा काटे सर प्लीज। ये आ जाओ। ये क्या हो रहा है, क्या करें हम लोग सब यहाँ? लो जी आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये लड़की कौन है भाई? सर यही तो वो लड़की है मनीहा कफायत अली जिसके चक्कर में हम सारे यहाँ आए हैं। आलो कर लो क्यों पांडा। बेटा का दिमाग खराब थी गाये। सलाम भाई जी सलाम। अरे बड़े बा आपके भाई लाहौर से, और बेबे ये हो क्या रहा है यहाँ पे सब? सुफराल नहीं भिजवाऊंगी, फिल्म की शूटिंग हो रही है। बाजी का गुस्सा आप मुझ पर क्यों उतार रही हैं? जबान बंद रखो,
ये सारा फसाद तुम्ही ने तो डाला है। मैंने नहीं, मीनू बाजी ने डाला है। आप सबके सामने शॉपर में कपड़े डालकर गई थी वो। तो फेसबुक पे स्टेटस क्यों डाला? वो तो फीलिंग सेट के साथ डाला था कि क्या पता है वो देखकर वापस आ जाएं। करीस करीस मुबारक हो, फाजी और मीनू मिल गए। किधर है मीनू की बच्ची? आज मैं इस चप्पल से उसकी मरम्मत करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। अब थाने में है वो, अभी भी वलीद का फोन आया था। फीलिंग हैप्पी का स्टेटस लगा दो। तुम्हारी फीलिंग हैप्पी का तो मैं जनाजा निकाल के दम लूंगी। चप्पल दो मेरी। अरे अरे करीस आराम से, ताया भाभी पहुंच गए। इंशाल्लाह अब अम्मा और बेबी की काफी टक्कर हो जाएगी। लग रहे ऐसा ही हो। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी लंगड़ा लूला। अब तो आपको इकट्ठी कट्टा निकालना होगा थानेदार साहब। लेकिन बड़े अब्बा, ये हमारे घर का मसला है। चुप कर रहा है। जिस घर में तुम जैसे चिड़ी मार मार दो हो, उस घर की औरतें थाने पहुंच जानती हैं, आप ही दंग बनाती हुई। बड़े अब्बा, फॉर गॉड से कुछ तो करें। वही वही करने बैठा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? तुझे तो तीन बहने और एक दादी नहीं संभाली जाती। चलो, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? क्यों चाचा? हाँ बेटा, मेरी भी कोई नहीं सुनता है। हाँ भाई, तुम दोनों का निकाह हुआ हुआ है? जी, इन्हीं लोगों ने करवाया था। साथ रहना चाहते हो? अरे ये दोनों तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जालिम समाज इन्हें साथ रहने नहीं दे रहा। जालिम समाज के खिलाफ ही 400 BC का पर्चा काटने के लिए बिठाया हमें सरकार ने। कानून में मियां बीवी की रुखसती ना करवाने वालों की क्या सजा? सजा तो बहुत बड़ी है, मगर चूंकि ये दो औरतों का मामला है तो शायद साल दो साल कम हो जाए। यानी साहब, मेरी बुआ और बेबे को जेल जाना पड़ेगा क्या? दुर्घटे मुंह तेरा, मैं क्यों जाऊं जेल में? ये अपनी फूफी को लेके जाना तू जेल में। बाहर आके आगे फूफी नहीं, दुल्हन की दादी खड़ी हो गई थी दीवारे चीन बन के। अंदर करते ही से। कब शादी है? परसों मेहंदी है और अगले दिन बारात। लो जी, हो गया फैसला, लड़का लड़की की शादी कानून खुद करवाएगा। और हाँ, बारात में 15 हमारे पुलिस वालों के लिए खाना जरूर रखवा रहे। 15? ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा ताया अब्बा, इसे 3 पे फाइनल करें ना। और तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेरे वाले भी बुलवाओ, ये तो भी रुखसती होने चाहिए। चलो कुड़ियों मुंडे हो, चलो अपनी अपनी गड्डियां की बैठो। चल कफायत, तू भी चल। चल भाई भंगड़ा पाओ, भंगड़ा पाओ, ले भाई चलो। ओए ओए चलो। ओ लो जी, ओए ओए मेरे यार दा छोटा भरा, अरे दा लग गया दिल खुश होया मेरा। वाह, को सोना लग रहे ललनाथ। भाई जान, अल्लाह दा शुक्र है और आपकी दुआवां ने जो आपके खानदान का मसला मेरे इलाके के थाने में हल हो गया। अब शादी पे ही मुलाकात होगी। जिंदा रहे, ओ जिंदा रहे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप लोगों ने ये समझा कि मीनू मुझे भगा कर ले गई है, मुझे यानी फ़ाज़ इब्राहिम को। मैं मनीहा कफायत है, क्या मैराथन रेस में हिस्सा लेती रही हूँ? आज तक कितने लोगों को भगाया मैंने? हाँ बात सारी ये है अम्मा, कि आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं है। फ़ाज़, हम समझे। क्या आप लोग हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हैं? माना कि मैं बेवकूफ हूँ, अकल नहीं है मुझे, पागल हूँ मैं, लेकिन क्या मैं इस हद तक गिर जाऊंगी? पर फाजी क्या करने आया था रात को तुम्हारे रूम में? मैंने बुलाया था उन्हें, बात करनी थी उनसे। पर हादी भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ही लोगों ने निकाह करवाया ना मेरा उनसे, तो अब आप एक्सेप्ट भी कर लें। आप जैसे घरों के जज्बाती बुजुर्ग ही होते हैं जो के बच्चों को गलत फैसला करने पर मजबूर करते हैं। नहीं, असल में साला शरीफ साहब, हमने तो भैंस के आगे बहुत दिन बजाई लेकिन किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी, और आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। आपा, आपको भैंस कह रहे हैं, हालांकि आप भाई प्लीज जत्ते पे तेल मत डालें यार।
रात के साग के ऊपर पुडिंग डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमने क्या किया है अम्मा? बड़े अब्बा बुला रहे गुलाबा को और अम्मा को। किसको? मैं आती हूँ। मुझे भी। जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं आपको हरगिज जाने नहीं दूंगा ताया अब्बा। तुम फिकर ना करो, मैं बख्तो और नेक परवर के कस बल निकाल के जाऊंगा इस बार। इन दोनों ने किसी की ना सुनने की कसम खा रखी है, एक तमाशा बना दिया पूरे खानदान में हमारा। अरे तमाशा तुम्हारे बाप ने लगाया था पहली शादी के दूसरे महीने दूसरी शादी करके। तो मांस खोल के खुद तो वफात पा गए, मैं आज तक इस घुमन घेरी से निकल ही नहीं पाया। ये अभी तक पहुंची क्यों नहीं दोनों पार्टियां? आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आया नू। खूब बड़ी दादी होने का हक अदा किया है तुमने नेक परवर। बहनो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शुक्र है तुम्हें खुद एहसास हो गया कि तुमने कोई हक अदा नहीं किया। वो कहाँ है तुम्हारी शरीकन? सलामुलेकुम भाई साहब। सलामुलेकुम। दावर बीबी उस कुड़ी का ब्याह कर ही दिया था तो रुखसत भी कर देती, आधे घर के मसले तो वैसे ही हल हो जाते। बड़े अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाता है कि किसने क्या किया। बताओ बताओ क्या मसला क्या है तुम खवातीन के साथ? सुनो क्या हुआ है, क्यों बुलाए बड़े बने सबको? ये पूछने के लिए कि मैं आपको भगा के कहां लेके गई थी। तो बता देती, ऑफर की थी, मैं माना नहीं। शर्म आनी चाहिए आपके घर वालों को मुझ पे इतने घटिया इल्जामात लगाते हुए। तो तुम्हारे घर वाले भी तो पहुंच गए थे मोहर लगाने कि तुम शॉपर में कपड़े डाल के ले गई हो अपने साथ। लेकिन ज्यादा ज्यादती ना आपके घर वालों ने किए मेरे साथ। तुम टेंशन ना लो, एक एक चीज का हिसाब दूंगा। 36 रजिस्टर भर चुके हैं अभी तक ज्यादतियों के। मेरी मोहब्बत से ज्यादा तो नहीं होंगे ना? जी इजाजत है आपकी कि अपनी मिसेज से बात कर लूं मैं? सॉरी यार, कल रात को ना थोड़ी सी फिरकी घूमी हुई थी मेरे दिमाग की। इन सारी जंग आलूदा फिरकियों को तेल देने के लिए आए बड़े बलौर से? बोलती है ना गलती होगी माफ कर दे। गलती गलती तो बेटा वो करने जा रहे हैं तुम्हें अपनी बेटी का दामाद बनाकर। इसका मतलब है तूने भी ना कसम खाई हुई मेरा दिल जलाने की। दिल तो मैं बेटा तेरा ऐसा जलाऊंगा तू बस वेट कर, मौका मिलते ही ना सारे हिसाब बराबर करूंगा मैं। एक एक बात लिखी हुई है मैंने अपने दिल में। भैया कोई शहबाज साहब आए आपसे मिलने। ओह थैंक गॉड, मैं वेट कर रहा था। ऋषि एक बात सुनो मेरी। बहुत अफसोस की बात है, क्या मिला तुम दोनों को जग हसाई करके? भाई साहब मैंने तो बात मान ली थी आपकी। दूध भी दिया तो वो भी मेंगनियां डाल के। नेक परवर अगर रिश्ते में बड़ी हो तो बात भी बड़ी किया करो। रिश्ते में बड़ी हूँ पाए ना, मुझे सारा पता है। पर कुछ लोग जो है ना वो रिश्ते में छोटे हैं तो सारी जिंदगी सोच भी उनकी छोटी रहती है। आपने भी तो सारी जिंदगी बड़ा बनकर नहीं दिखाया। तो तुम छोटा होने का सबूत दे दो, हर मामले में अपनी नाक ना घुसाओ जबरदस्ती। मैंने कुछ नहीं किया बड़े अब्बा। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है, बहुत कुछ करके भी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। पता तो खैर इन सबको ही बहुत चलता रहता है अब्बा। रहने दो किफायत, मेरे फाजी का मामला हमेशा तुम्हारे घर से खराब हुआ। न तुम्हारे घर से कौन से फूलों के हार बनाए गए मेरी मासूम बच्ची को, हैं? निकाह करके रोल दिए मासूम को। बस नेक परवर बस, अब कोई चोंच नहीं लड़ाएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। ओ चल यार किफायत, तू फंक्शन से बंदोबस्त कर। मैं देखना कौन अड़ी करता है, तुसी सारे ने बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं मेरे मरहूम भाई का। नवाब साहब होते ना जिंदा तो फिर देखती मैं। और मेरा भाई जिंदा होता तो तुम में से किसी को जरूरत ना होती कुछ करने की। चलो उठ जाओ सारे, तैयारियां करो शादी की। चलो हा
हल्की फुल्की मुसीखी तो चलती रहेगी वली में लगता है। और यार बेफिक्र रहे, ऐसा राग सुनाऊंगा कि सारी धुनें भूल जाएंगी ये तुम्हारी छोटी अम्मा बड़ी अम्मा। ओ हेलो, लगता है ये सारी जिंदगी ना बस ऐसे ही रूठने मनाने में गुजर जाएगी। क्या मिला आपको कल तमाशा करके घर में? मैंने माफी मांग ली ना तुम्हारे भाई से, तुम कहती हो तो पूरी फैमिली से जो है मैं इज्तिमाई की सबकी माफी मांग लेता हूँ। वैसे इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी मुझे आपसे। मीनू के मामलात में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ बस। मीनू के अलावा और भी लोग हैं इस घर में जो शायद आपको नजर नहीं आते। और भी लोग मुझे साफ साफ नजर आते हैं, और वैसे भी तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है ना। मेरी दूर की नजर कमजोर है पर आपकी करीब की नजर कमजोर है। वापस चेक तो कर। ओ ये तो टेढ़ा हो गया, बहुत ही नाजुक फ्रेम है लगता है तुम्हारे दिल की तरह। याद है मुझे, टेलर के पास जाओ। हाँ तो मैं आप जनाब को ले जाता हूँ ना टेलर के पास, और वापसी पर इसको भी फिक्स करवा देंगे। पागल हो गए हैं, गुलापा को पता चल गया ना तो जान निकाल देंगे मेरी। फिलहाल तुम्हारी नाराजगी मेरी जान निकाल रही है, और हम रस्ते में फाजी को बता देंगे फोन पर। वैसे अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं? कहें? वैसे तो तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन जब नाक के ऊपर चश्मा रखती है ना उसके साथ साथ गुस्सा भी रख लेती हूँ तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है। कौन सी? भाई वाह। ये कैसा लग रहा है? आउट क्लास। और ये? ये तो बना ही तुम्हारी फेस के लिए। अच्छा, ये लास्ट वाला भी ट्राई करते हैं। ये कैसा है? तो अखीर ही हो गई यार। मजाक तो नहीं कर रहे ना आप? मेरी नजर से देखो ना तो पता चलेगा कितना सीरियस हूँ मैं। अच्छा तो फिर कौन सा लें? आप ऐसा कीजिए, आप ना ये तीनों पैक कर दें। तीनों? अरे प्राइस तो पूछे। कुछ चीजों की प्राइस नहीं पूछी जाती। थैंक यू, लग रहे हैं। लेकिन तुमसे कम। अम्मी आपके फोन में से निकालेंगे आदि भैया को बाहर। कहाँ रह गया ये लड़का? ऐसी कौन सी इमरजेंसी नाफिज हो गई है? बेटा वो फाजी की मेहंदी के सामान की कुछ चीजें मंगवानी है ना, तुम दोबारा मिलाओ उसका नंबर सही तरह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों आ गए, वरना अम्मी ने पिछले एक घंटे से मेरा दिमाग रोस्ट करके रखा हुआ है। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अम्मी वो मिशी का फ्रेम टूट गया था ना तो वही सही कराने के लिए गए थे बाजार में। फाजी का है? और घर में दो दो बहनों ही मौजूद है, तुम्हें इसी के कंधे पे लटक के जाना जरूरी था? अम्मी अम्मी ये कोई बात है भला करने वाली? अच्छा तुम मुझे बताओगे मुझे किससे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है? भूल गए कल अम्मा ने कितना हंगामा किया था, क्या कुछ नहीं सुनाया था, तुम्हें कब अकल आएगी? सुथरी हो गई आपके साथ। बकवास बंद करो और तुम्हारे जिम्मे जो वो चचा ने काम लगाया ना वो निपटाओ। इतनी मुश्किल से मनाया था फिर नाराज हो गई है। ये शर्ट पहनूंगी मैं अपने कल के फंक्शन पर? ये तो गुल ने पहनी थी अपनी मेहंदी पर, अब गुलाबा की उतरा नहीं रह गई है मेरे लिए। कमबख्त गुल, कहीं भी गुल खिलाने से बाज नहीं आती। और मैं इसमें फिट कैसे आऊंगी? सीख सिलाई जैसी थी वो 5 साल पहले। बेड़ा तर्ज है तेरा, रात तेरे ताए ने भिगो भिगो के मारी है, अब तू मेरे मुंह पे मार दे। जरा देखे कैसा मेहंदी का सामान भिजवाया अम्मा ने मेरे लिए, वो भी मुलाजमा के हाथ। जा जाके अपने ताया अबू को दिखा जो बड़ी सैडे ले रहे हैं ना उस पेंडू पेस्ट्री की। अभी दिखा कर आती हूँ। पागल तो नहीं होगी? कल रात से बड़े आपा का ब्लड प्रेशर हाई है गुस्से से। हाँ जी पता है, हमारा भी जेठ का महीना चल रहा है। बेबी आपको क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की, कल रात से 2 कांस्टेबल हमारे गेट पर बैठे हैं। ये सारा किया धरा ना उस बख्तों का है, मैं कहती हूँ इंशाल्लाह कब्र में कीड़े पड़ेंगे इसके। बेबे उनके कब्र के कीड़े गिनने के बजाय ना मुझे ये बताएं कि मैं क्या पहनूंगी मेहंदी के फंक्शन पर। अच्छा लाओ मुझे शर्ट दो, मैं टेलर से इसको फिक्स कराती हूँ। मैं नहीं पहनूंगी गुलाबा के उतरन। ठीक है सही है, मैं अभी भिजवाती हूँ फाजी का सामान। होश ठिकाने ना आए तो मेरा नाम भी नेक पर नहीं। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है ये औरत।
ये क्या है आपा? तुम्हारे ससुराल ने भिजवाया सामान मेहंदी के लिए और जोड़ा भी। ये खुसा तो जाना पहचाना लग रहा है। ये तो नवाब साहब का खुसा है। ये खुसा तो पेट गया थे वो मुझे ब्याहने के लिए। पर मुझे क्यों भिजवाया ये पुराना खुसा? यही बताने के लिए कि तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं। मिंटो आपा, अब आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती ये नहीं कर रही है, ज्यादती तेरी सौतेली दादी ने की है। एक से एक चुन के घटिया से घटिया तरीन चीज भिजवा दी है शगुन में, और ये टोकरी तो सबसे थर्ड क्लास है। अगर ऐसा है ना तो उन्हीं के जूते उन्हीं के सर पर मार के आता हूँ। दे आपा, पहल तो आप ही ने की थी ना मीनू को अपना पुराना जोड़ा भिजवाकर। तो बड़े अब्बा को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया था उन लोगों ने? इसमें मीनू और फाजी भाई का क्या कसूर है? उनका इवेंट क्यों खराब कर रही हैं आप? हाय अम्मा, जिंदगी हमारी खराब हो रही है और इसको मीनू के साथ हमदर्दी का बुखार चढ़ा है। आपा, बहुत गलत कर रही हैं आप। ये मेंढ की ज्यादा फुदकती नहीं लगी आजकल अम्मा? इसके फुदकने को छोड़ तू ये लड्डू चेक कर। क्या हुआ? स्मेल आ रही है, पुराने तेल के लग रहे हैं। अल्लाह माफ करे, कहीं इनमें चूहे मारने की दवाई तो नहीं डाल दी बदपरवर ने? सारे के सारे उठा के डस्टबिन में डाल के आती हूँ। जाएं। बड़े अब्बा ना होते ना तो मैं उनकी तबीयत सेट करके आती। उन्हीं का लिहाज तो मुझे खा गया है, वरना इस बदपरवर का इलाज तो मेरे पास था। मैं क्या आती हूँ सारा। हाँ। अरे क्या हो गया, धरती क्यों हिला रहे हैं? फिलहाल तो मेरा दिमाग हिला दिया बेबे ने। ये खुस्सा मारकर? नहीं, ये खुस्सा मेरे घर भेजवा कर। तुम्हें पता है दादा अब्बा ने पहना था ये खुस्सा अपनी दूसरी शादी पर। अच्छा, तो फिर ये देखे। ये क्या है? गुलाबा का ड्रेस जो 5 साल पहले उन्होंने अपनी मेहंदी पर पहना था। तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरी मेहंदी के लिए भिजवाया है आपकी अम्मा ने। ये कोई बांस को तो चढ़ सकता है लेकिन मुझे नहीं। ये सब पागल हो गए हैं क्या? उनका तो नहीं पता लेकिन हम दोनों को जरूर पागल कर देंगे। चलो बड़े अब्बा के पास। क्यों? बड़े अब्बा कोई टेलर है जो इसे खोल के मेरे नाप का बना देंगे? नहीं, पर कम से कम मुझे ये तो बता देंगे ना कि नवाब साहब का खुस्सा पहनने के लिए कितने इंच कटवाऊं अपने पांव? फिलहाल तो दोनों दादियों ने ना हमारी नाक कटवा दी है। मैं बता रहा हूँ, बड़े अब्बा ही हैं जो शेर के गार में हाथ दे सकते हैं। चलो। अरे मेरा हाथ तो छोड़, एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा घर में। चलो चलो। ये क्या सीन है भाई? सीन तो बेटा आज ऐसा ऑन होगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। ये ऑन ऑफ के चक्कर में ना कहीं अपनी वायरिंग ना उड़वा लेगा। चबलियां ना मार। हाँ तू जा बेटा, शाबाश। हाँ, जाके मेरे खिलाफ एक और पर्चा कटवा मीर जाफर बनकर। तुझे तो मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। चलो ले भाई हादी, तेरा भी वो गाना गाने का टाइम आ चुका है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। भाई वाह, तुम्हारा ही जूता तुम्हारे सर पे मारने आ रहा है तुम्हारा दामाद। है दामाद है सब पे, लेकिन तुमने तो अपनी पोती नागिन बना के हमारे सरों पे जबरदस्ती मुसल्लत कर दी है। ये पाजी ना ना होते तो मैं देखती कैसे रुखसती होती। ना इतनी फने खान हो तो अब रोक लो अपनी पोती की डोली। नहीं जानी, तुझे पता नहीं है ये नेक परवर अपनी आई पे आ जाए ना तो किसी को छुपने की जगह नहीं मिलती। अरे अंधे भाई साहब के सामने तो बकरी की तरह मिन मिन हो रही थी। बातें करवा लो इससे जितनी मर्जी। सबको तो लगता है सोटा फेरना ही पड़ेगा। मिर्ची, ओ मिर्ची, जल्दी यार फेसबुक पे स्टेटस डाल दे, फीलिंग एंग्री। मैंने नहीं लगाना स्टेटस, कल जुतियां पड़ी थी मुझे अम्मी से। तो मैं कौन सी जाहिल हूं, काले के प्राइमरी स्कूल से पूरी 10 जमाते पास किए मैंने। वो और बात है कि अंग्रेजी का पर्चा 4 नंबर से रह गया था। टी एम तुम चल जा। बड़े अब्बा, पूरा घंटा हो गया। तो स्टडीज करने जाने जाऊं? पुत्र, नवाब की आला औलाद को तालीम हासिल करने का कितना शौक है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो एक्चुअली हाथ दुख के हैं दबा दबा के। 10 घंटे क्रिकेट खेलता रहता है तो कुछ नहीं होता, आधे घंटे के लिए हाथ पांव दबाने पड़े तो तुझे मौत आ गई। बड़े अब्बा हैं या कोई मौत का फरिश्ता? तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? मैसेज लिख लेकर मेरे हार्ट टूट गए।